हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी आप बहुत अच्छी हूँ। आज है बुध बुध और क्या, शायद 10 तारीख है आज। अच्छा, 10 नहीं, शायद 11 तारीख। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड ना गाइज। हाँ, आज है 11 तारीख और अभी मैं ये टाइम आपको मिल रही हूँ। और मैंने कल कोई भी व्लॉग नहीं बनाया गाइज, सॉरी। पता नहीं मुझे कि मैंने क्यों नहीं कल व्लॉग बनाया। तो आज देखो 10:10 हो चुके और अभी मैं ये वक्त व्लॉग स्टार्ट कर दी। देखो मैं शेक हो रहा है मेरा मोबाइल, क्योंकि मैं हाथ में पकड़ी हूँ ना, ट्राइपॉड पे नहीं लगाई हूँ। ये जो धुले हुए कपड़े थे उसके अच्छे से घड़ी बना के रख देती हूँ, फिर बेड वगैरह साफ करती हूँ। ठीक है, अभी हो रही है शाम। अभी मैं आप लोगों को शाम में मिल रही हूँ। एक सेकेंड ना, सॉरी। अभी मैं आप लोगों को शाम में मिल रही हूँ सुबह के बाद। और अभी मैं आज आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, अखनी पुलाव, मटन का अखनी पुलाव, जिसे अखनी भी बोलते हैं और पुलाव भी बोलते हैं। तो आज उसकी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं उसकी तैयारी करके रख चुकी हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाना बाकी है। ये देखो, यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ली। यहाँ पे थोड़ी सी सौंफ है, 1 चम्मच के करीब सौंफ है। यहाँ पे थोड़ा सा जीरा या 4-5 मैंने लौंग ली, और 4-5 मैंने काली मिरी ली, और यहाँ इतना इतने टुकड़े के करीब मैंने दालचीनी ली, और 2 हरी इलायची ली, और थोड़ी सी जावेत्री, और या अखा धनिया। ये है खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसाला पुलाव में डालने के बाद उसकी टेस्ट कुछ और ही बढ़ती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने प्याज ली छोटी गड्ढी के बराबर, या थोड़ा सा अदरक काट के ली, 4-5 लहसुन की कलियाँ ली, और ये यहाँ पे है मटन। ये मटन कम से कम ये 1.5 किलो के करीब है ये मटन। चलो ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें क्या क्या ऐड करना है। मटन गल चुका है और अभी यहाँ पे मैं हांडी गरम करने के लिए रखी हूँ। उसमें 4 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल फिर गरम होने पे मैं उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा और तेज़पत्ता ऐड करूँगी। उसके अच्छे से तड़कने के बाद मैं छोटा सा प्याज काट के रखी फ्राई करने के लिए। प्याज और हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च छोटी छोटी, वो उसमें ऐड करूँगी। उसको अच्छे से चारों को भूनने के बाद फिर मैं उसको थोड़ा सा ढक दूँगी। फिर उसके अंदर पानी ऐड, प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है, उसके अंदर मैं ना बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। आप लोग सोचे कि बिरयानी मसाला, तो हाँ बिरयानी मसाला डाल के देखिए कि कितना अच्छा लगता है इसके अंदर। और अभी मैं यहाँ पे छोटे 4 चम्मच दही ऐड करी, और थोड़ा सा नमक, और जो मटन था ना उसको भी मैं ऐड करी, और उसको अच्छे से चला दूँगी जिससे अपना दही फटे ना। अब जो मैंने पानी निकाल के रखी थी ना अखनी का, वही पानी मैं ऐड करूँगी। जो ग्लास से नाप के मैं ऐड कर रही हूँ ना, ये मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे ना, तो कम से कम मैंने 2 गिलास इसमें पानी ऐड करी, वही वाला पानी। और चावल को मैं पहले ही भिगा चुकी हूँ, तो इतना पानी बहुत था उसके अंदर। अब वो पानी को अच्छे से जोश आने के बाद, बॉईल होने के बाद, फिर मैं उसके अंदर चावल ऐड करूँगी और उसको अच्छे से पकने दूँगी। और जब थोड़ा सा पानी उसमें कम रहेगा ना, तब उसको ढक्कन बंद करके उसको मैं दम पे चढ़ा दूँगी। तो ठीक है, देखो ऐसा मेरा पुलाव। फिर कैसा लगा पुलाव, मतलब देख के? आ खा के तो नहीं, खा के तो मैं, हम लोग खाने वाले मतलब मैं अभी बैठ रही हूँ खाना खाने के लिए। लगभग 12 बज रहे, हाँ शायद, हाँ 12:15 हो रहे। ये खाना खा चुके, इनके दोस्त आए थे तो ये खाना खा चुके, और अभी मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप लोग के
मेरा पुलाव की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, मेरा पुलाव कैसा लगा, आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि पुलाव कैसा था। तो आज का दिन मेरा बस ऐसे ही था। फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। बाय। टेक केयर।